हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज कंपस। लास्ट वीडियो में हमने बुलियन अलजेब्रा का कुछ प्रॉपर्टी देखा था। ये उसी का कंटिन्यूशन वीडियो है जिसमें हम एक और प्रॉपर्टी को देखेंगे, ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी। ठीक है, ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी क्या है? इसके अकॉर्डिंग ए बी प्लस ए बार सी इक्वल टू किसके होगा? ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी के। ठीक है, ये आपको ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी कहता है। अब इसको थोड़ा सा समझिए, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? ए लिखा हुआ है, मतलब एक टर्म है, फर्स्ट टर्म। लेट सपोज कि मैं ए को क्या कर रहा हूँ, फर्स्ट टर्म क्या है मेरा? ए है। बी है, मतलब कोई सेकेंड टर्म है, कोई एक सेकेंड वेरिएबल बोल दीजिए, या सेकेंड फर्स्ट वेरिएबल बोल दीजिए, या इसको सेकंड वेरिएबल बोल दीजिए। ठीक है, मतलब कोई दो वेरिएबल का प्रोडक्ट हो, उसके बाद प्लस हो, उसके बाद ए का कॉम्प्लीमेंट, मतलब फर्स्ट वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट हो। ठीक है, उसके बाद आपको मल्टीप्लाई में कोई एक थर्ड वेरिएबल हो। ठीक है, थर्ड वेरिएबल आपका क्या है? सी है, क्योंकि समझना पहले जरूरी है, ऐसे ही इसको रटना नहीं है। ठीक है, ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी क्या कहता है कि दो कोई वेरिएबल्स हो, दोनों मल्टीप्लाई में हो, उसके बाद एक प्लस हो, उसके बाद जो पहला वेरिएबल हो उसका कॉम्प्लीमेंट हो, उसके बाद एक कोई तीसरा वेरिएबल उसके साथ मल्टीप्लाई में हो। अगर ये कंडीशन है, अगर ये ऐसा कंडीशन है, तो आप क्या कर सकते हो कि पहला वेरिएबल प्लस तीसरा वेरिएबल, ठीक है, पहला वेरिएबल प्लस तीसरा वेरिएबल इनटू पहला वेरिएबल का कॉम्प्लीमेंट प्लस दूसरा वेरिएबल। ठीक है, इसलिए मैंने यहाँ पर पहला वेरिएबल दूसरा वेरिएबल नेमिंग किया, ताकि आपको समझ में आए। ठीक है, ये आप एक बात समझ गए। अब ऐसा जरूरी नहीं है कि ये एक ही वेरिएबल हो, जो ए है सिंगल वेरिएबल, ये भी, या बी हो सिंगल वेरिएबल का हो, या सी सिंगल वेरिएबल का हो, ये मल्टीपल वेरिएबल्स के हो सकते हैं। जैसे अगर आपका हो एक्स वाई, ठीक है, एक्स वाई इंटू जेड प्लस एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट इंटू आर इक्वल टू, तब आप क्या कीजिएगा? यहाँ पर देखिए, ए का काम क्या कर रहा है? एक्स वाई, ए इक्वल टू क्या है? एक्स वाई। बी बराबर क्या है? जेड। ये बी का काम कर रहा है ना, ये बी है ना, एंड यहाँ पर क्या है? ए कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये सी है, ये क्या है? सी है। तब आपको सिंपल, आपको क्या करना है? लिखना है ए प्लस सी, ए प्लस सी, ए क्या है आपका? एक्स वाई, ए क्या है? एक्स वाई, ए लिख दिए, प्लस देना है, उसके बाद आपको सी लिखना है, सी क्या है? आर। ठीक है, उसके बाद आपको लिखना है ए का कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पर क्या है? ए का कॉम्प्लीमेंट है ना, तो ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब एक्स वाई का कॉम्प्लीमेंट, प्लस प्लस के बाद आपको बी लिखना है, बी की जगह पर यहाँ पर क्या है? जेड। ठीक है, तो ऐसा भी दे सकता है एग्जाम में, तब आपको ऐसे लिखना हो, क्योंकि ये नॉर्मल, ये नहीं है, ये जनरल फॉर्मूला है। ठीक है, इसका डायरेक्ट ऐसा कहीं आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ऐसा मिलेगा जैसा मैंने ऐसे बताया। ठीक है, अभी तो मैंने दो वेरिएबल बताया, एंड बी को मैंने अभी सिंगल वेरिएबल रखा। ऐसा भी हो सकता है कि पी क्यू आर मिले, पी क्यू आर एस मिले, ठीक है, फिर पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट मिले, फिर टी वी मिले, तब आप क्या कीजिएगा? ठीक है, पी क्यू आर एस प्लस पी क्यू टी वी। तो यहाँ पर देखिए, ए बराबर है आपका पी क्यू, बी बराबर है आपका आर एस, एंड सी बराबर है आपका टी वी। ठीक है, सिंपली आपको इसको ध्यान रखना है, इस साइड वाले को, तो आपको क्या लिखना होगा? ए प्लस सी, ए प्लस सी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट प्लस बी, ए के जगह पर क्या है? पी क्यू, प्लस सी लिखना, सी के जगह पर क्या है? टी वी इंटू ए कॉम्प्लीमेंट, ए के जगह पर क्या है? पी क्यू, तो पी क्यू का कॉम्प्लीमेंट प्लस बी के जगह पर क्या है? आर एस। ठीक है, तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी है क्या। ठीक है, केवल इसको नहीं समझना, केवल ये जो मैंने सिंपल लिख दिया था इसको नहीं समझना है, इसका मतलब क्या है, कैसे कैसे एग्जाम में आएगा, उसको पहले समझना है। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मैं इसको मैं इरेज कर देता हूँ, एंड मैं आपको प्रूफ करके दिखाता हूँ। ठीक है, ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं कि ये ऐसा होता भी है या नहीं होता है। तो मैं अभी इस बार RHS लेकर चलता हूँ, RHS।
RHS में क्या है, A प्लस सी, क्योंकि करना क्या है, LHS लेकर चलिए RHS आना चाहिए, RHS लेकर चलिए LHS आना चाहिए, A प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी, ये RHS है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी की हेल्प से, तो ए डॉट ए बार, ए डॉट ए बार प्लस ए डॉट बी प्लस ए बार डॉट सी प्लस बी डॉट सी। एंड आपको पता है कि ए डॉट ए बार क्या होता है, जीरो होता है, तो जीरो प्लस ए डॉट बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए डॉट बी प्लस ए बार सी प्लस बी सी। एंड आपको ये एक्सप्रेशन देखकर कुछ याद आ रहा है, ये आपका कौन सा थ्योरम है, ये कॉन्सेंसस थ्योरम है जो मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया था, ठीक है। अगर आपको ये नहीं आता है, इसको भी मैंने प्रूफ कर बताया हुआ है, तो उसका वीडियो आपको देख लीजिए, उसका डिस्क्रिप्शन में मैं आपको लिंक दे दूंगा, ये आपको आई बटन पर भी मिल रहा होगा। तो ये आपका कॉन्सेंसस थ्योरम है, एंड इस थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होता है, इस थ्योरम के अकॉर्डिंग होता है ए बी प्लस ए बार सी, जो कि आपका यहाँ पर एल एच एस है, ठीक है। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि इस ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी को प्रूफ कैसे करेंगे। इस ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी को प्रूफ करने के लिए आपको कॉन्सेंसस थ्योरम आना चाहिए, जो मैंने पहले ही बता रखा है, उसका वीडियो आप देख लीजिए, तो आपको ये प्रूफ जो मैंने किया अभी आपको वो समझ में आ गया होगा। अभी तो हो गया कि अभी मैंने इसको क्या किया, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हेल्प से प्रूफ किया। अभी मैं क्या करता हूँ, इसको मैं आपको ट्रूथ टेबल की हेल्प से प्रूफ करके दिखाता हूँ, ठीक है। तो उसके लिए मैंने एक टेबल बना रखा है यहाँ पे, ये टेबल है, ठीक है। तो इस टेबल की हेल्प से हम लोग प्रूफ करते हैं। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको जो थ्योरम है वो मैं लिख देता हूँ कि थ्योरम क्या है, सॉरी थ्योरम नहीं बोलेंगे इसको, प्रॉपर्टी बोलेंगे। प्रॉपर्टी क्या है, प्रॉपर्टी है ए बी प्लस ए बार सी, ए बार सी इक्वल टू ए प्लस सी, ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी, ठीक है। ये आपका प्रॉपर्टी है। अब देखिए इसमें कितने वेरिएबल, तीन वेरिएबल हैं, तो आपको यहाँ पर टेबल में थ्री वेरिएबल चाहिए होगा, ठीक है। तो मैं आपको थ्री वेरिएबल ले लेता हूँ, एक ले लिया ए, ठीक है, दूसरा ले लिया बी, तीसरा ले लिया सी, क्योंकि थ्री वेरिएबल है तो तीनों चाहिए हमें। उसके बाद आप देखिए आपको क्या चाहिए, ए बार भी चाहिए, ठीक है। तो लेट सपोज हमने क्या किया, ए बार ले लिया। अब आपको देखिए आपको ए बी चाहिए, तो लेट सपोज हमने क्या किया, ए बी भी ले लिया। आपको क्या चाहिए, ए बार सी चाहिए, ए बार सी चाहिए, हमने क्या किया, ए बार सी ले लिया, ठीक है। आपको क्या चाहिए, ए प्लस सी चाहिए, तो हमने क्या किया, ए प्लस सी ले लिया। आपको क्या चाहिए, ए बार प्लस बी चाहिए, तो हमने क्या किया, ए बार प्लस बी ले लिया, ठीक है। अब आप कंप्लीट टर्म को देखिए, एलएचएस को, एलएचएस में क्या, ए बी, ए बी प्लस ए बार सी, तो एक टर्म, एक कॉलम का मैंने नाम रख दिया ए बी प्लस ए बार सी। एंड आरएचएस में आपका क्या है, ए प्लस सी, ए प्लस सी इंटू ए बार प्लस बी, ठीक है। ये हो गया, मैंने टेबल का कॉलम का नाम कैसे लिखा वो मैंने आपको बता दिया, ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आप कॉलम का नाम याद करके थोड़ी जाओगे, ठीक है। एक एक टर्म को यहाँ पर देखना है जो भी प्रॉपर्टीज में है, एंड उन टर्म के अकॉर्डिंग आपको करना है, ठीक है, लिखना है कॉलम का नाम। अब देखिए आपको पता है कि अगर थ्री वेरिएबल्स हैं तो इसमें पॉसिबल नंबर ऑफ कॉम्बिनेशन कितने होंगे, एट होंगे। कौन कौन से, जीरो जीरो जीरो, जीरो जीरो वन, जीरो वन जीरो, जीरो वन वन, वन जीरो जीरो, वन जीरो वन, वन वन जीरो एंड वन वन वन, ये हो गए पॉसिबल कॉम्बिनेशन। अब आप देखिए ए बार, ए बार निकालना है, इट मीन्स आपको ए का कॉम्प्लीमेंट करना है। तो ये रहा आपका ए का कॉलम, आप क्या कीजिए, इसका कॉम्प्लीमेंट कर दीजिए। इसका कॉम्प्लीमेंट मैं कर देता हूँ, कॉम्प्लीमेंट मतलब क्या होता है, जीरो का वन, वन का जीरो। तो स्टार्टिंग में ए में क्या चार जीरो हैं, तो मैंने चार वन लिख दिया, फिर लास्ट में चार वन है तो मैंने चार जीरो लिख दिया, ये हो गया ए का कॉम्प्लीमेंट, ठीक है। अब हमें क्या करना है, ए बी निकालना है, ए बी, ठीक है। ए बी का मतलब क्या होता है, ए बी इट मीन्स ए एंड बी है,
मतलब एंड ऑपरेशन करना है ए एंड बी पे, ठीक है। तो ये रहा आपका ए कॉलम, ये रहा बी कॉलम, एंड एंड का कंडीशन क्या है, अगर दोनों दोनों अगर वन होगा तब जाकर फाइनल में वन आता है, अगर कोई एक भी अगर जीरो हुआ तो जीरो हो जाएगा। तो ये रहा आपका ए कॉलम, ये रहा बी कॉलम, आप इसका एंड ऑपरेशन कीजिए। तो मैं एंड ऑपरेशन करता हूँ, जीरो का जीरो 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 जीरो, एंड ये भी जीरो, ये भी जीरो, एंड ये दोनों वन, ये हो गया ए बी। अब आपको क्या करना है, ए बार सी निकालना है। तो ये रहा आपका ए बार कॉलम एंड ये रहा सी कॉलम। ए बार सी का मतलब ए बार एंड सी, फिर इन दोनों कॉलम पे आपको क्या करना है, एंड ऑपरेशन परफॉर्म करना है। तो वैसे ही जैसे मैंने अभी एंड ऑपरेशन परफॉर्म किया, उसके लिए क्या चाहिए, दोनों में वन होगा तभी वन होगा, नहीं तो जीरो। तो पहला जीरो हुआ, फिर ये वन हो गया, फिर ये भी जीरो, फिर ये वन, फिर ये जीरो, एंड इस कॉलम में ये भी जीरो हो जाएगा, यहाँ पे भी जीरो हो जाएगा, एंड ये भी जीरो हो जाएगा। तो ये हो गया ए बार सी का। अब देखिए यहाँ पर क्या निकालना है, ए प्लस सी। प्लस का मतलब क्या होता है, प्लस का मतलब होता है और ऑपरेशन, एंड और ऑपरेशन का कंडीशन क्या है, किसी एक में भी अगर वन हुआ ना तो हमारा रिजल्ट क्या आना चाहिए, वन आता है। तो ए प्लस सी का मतलब ए कॉलम ये रहा आपका एंड सी कॉलम ये। एक मिनट मैं थोड़ा सा इरेज कर देता हूँ उसको, कन्फ्यूजन हो जाएगा मैं किसकी बात कर रहा हूँ। ये रहा आपका ए कॉलम एंड ये रहा आपका सी कॉलम, ठीक है। आपको क्या करना है, ए प्लस सी करना है। तो इन दोनों कॉलम को देखकर आप एंड ऑपरेशन कीजिए। तो ये रहा आपका जीरो वन जीरो वन एंड वन 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 वन, ठीक है। ये मैंने एंड ऑपरेशन कर दिया ए प्लस सी का, क्योंकि लास्ट के चार में तो ए में वन है, तो लास्ट के चार में मैंने ए में वन रख दिया, एंड सी का सेकेंड एंड फोर्थ में वन है, तो मैंने सी के सेकेंड एंड फोर्थ में वन रख दिया, बाकी जीरो। अब आपको क्या करना है, ए बार प्लस बी। ए बार प्लस बी का मतलब ए बार, ये रहा आपका ए बार एंड ये रहा आपका बी, इन दोनों पे आपको एंड ऑपरेशन करना है। एंड ऑपरेशन कीजिए, अभी जो जैसे हमने किया था, किसी एक में भी वन है तो वन आ जाएगा। तो ए बार में स्टार्टिंग के चार में वन है, मीन्स आपका स्टार्टिंग के चार में तो वन ऐसे ही हो गया। उसके बाद आप देखिए, ए बार में तो चार लास्ट के चार में जीरो है, लेकिन बी में लास्ट के दो में वन है, इट मीन्स लास्ट के दो में तो वन हो जाएगा, बाकी दोनों में जीरो। अब आपको क्या करना है, ए बी, ए बी प्लस ए बार सी। ए बी, ए बी कौन सा है, ए बी ये है, ए बी ये है, एंड प्लस ए बार सी, ए बार सी ये है, ठीक है। अब इन दोनों कॉलम का, इस कॉलम का एंड इस कॉलम का आपको क्या करना है, एंड ऑपरेशन करना है, सॉरी और ऑपरेशन करना है, ठीक है। तो और ऑपरेशन अभी जैसे हम लोग कर रहे हैं, अगर किसी एक में भी वन होगा तो वन हो जाएगा। तो इसमें जीरो, इसमें वन है, इसमें वन है, क्योंकि यहाँ पर वन है, एंड उसके बाद लास्ट के दो में वन है, लास्ट के दो में वन है, बाकी सब जगह जीरो, ये हो गया। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे ए प्लस सी, ए प्लस सी कौन सा कॉलम है, ये वाला कॉलम है। एक सेकंड मैं थोड़ा सा इरेज कर दूँ कॉलम के ऊपर जो मैंने मार्किंग कर रखा है। ए प्लस सी, ए प्लस सी ये कॉलम हो गया। फिर आपको ए बार प्लस बी, ए बार प्लस बी ये कॉलम हो गया। आपका क्या करना है, इन दोनों कॉलम का एंड ऑपरेशन करना है, क्योंकि यहाँ पर क्या है, एंड है इनटू, ठीक है। तो इन दोनों का एंड का आपको कंडीशन पता है कि अगर दोनों में वन होगा तभी वन होगा, नहीं तो जीरो। तो देखिए यहाँ पे एक जीरो मिलेगा आपको, यहाँ पे एक जीरो मिलेगा। तो इस पे जीरो मैंने कर दिया, इस पे जीरो कर दिया, फिर यहाँ पे दो पे जीरो है, तो इन दोनों पे मैंने जीरो कर दिया, बाकी लास्ट के दोनों में वन होगा, फिर इस पे भी वन होगा, एंड यहाँ पे भी आपका वन होगा। अब आप देखिए कि क्या ये कॉलम एंड ये कॉलम दोनों बराबर हैं, जीरो का जीरो वन का वन, जीरो जीरो वन वन, जीरो 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 वन वन एंड वन वन, क्योंकि ये क्या था, ये आपका एल एच एस था एंड ये आपका क्या था, आर एच एस, एंड एल एच एस इक्वल टू आर एच एस हो गया। तो आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा कि ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग, ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी को कैसे हम लोग ट्रूथ टेबल की हेल्प से कैसे हम लोग प्रूव कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतने, अगर आपको ये वीडियो समझ में आया एंड ट्रांसपोजिशन प्रॉपर्टी समझ में, इस वीडियो को लाइक करें एंड इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इस चैनल पे और भी बहुत सारे ऐसे वीडियो अपलोड करने वाला हूँ, तो उस वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। अगर आपको इस वीडियो से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।